देश की एकता और अखंडता में राष्ट्रवाद की भूमिका विषय पर संगोष्ठी का आयोजन विश्वविद्यालय के संवाद भवन में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सह संगठन मंत्री श्रीनिवास विश्वविद्यालय के कुलपति वीके सिंह, प्रोफेसर रविशंकर विश्वविद्यालय के समाज शास्त्र विभाग के प्रोफेसर मानवेंद्र प्रताप सिंह सहित भारी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। संगोष्ठी का आयोजन स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण एवं उनके समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। उसके बाद विश्वविद्यालय के छात्राओं द्वारा स्वागत गान गाया गया। संबंधित विषय पर प्रकाश डालते हुए वक्ताओं ने कहा कि राष्ट्रवाद भारत के परिप्रेक्ष्य में अति प्राचीन विचारधारा है, लेकिन यूरोपीय पूर्ण जागरण के बाद इस शब्द का प्रयोग विदेशों में होने लगा। इस संबंध में वक्ताओं ने अपने विचार रखते हुए कहा, विश्व के इतिहास में बहुत जाने माने शब्द हैं, पहचानी हुई शब्द हैं। जहाँ भारतीय चिंतन में इसकी संकल्पना प्राचीनतम है, वहाँ पाश्चात्य जगत में इसका चिंतन 18वीं और 19वीं शताब्दी में उसी की देन है। इसलिए हम बात करते हैं ईस्टर्न टाइप ऑफ नेशनलिज्म और वेस्टर्न टाइप ऑफ नेशनलिज्म की। वो नेशनलिज्म एक आधार मूलतः सांस्कृतिक और आध्यात्मिक है और दूसरे का राजनीतिक है। दो के प्रस्थान बिंदु ही अलग है, इसलिए स्वाभाविक है कि दोनों की अवधारणा तथा विकास का क्रम भिन्न रहा है। यूरोपीय जगत में राष्ट्रवाद मुख्यतः एक राजनीतिक विचार है, जो सामान्यतः राष्ट्र तथा राज्य में ज्यादा अंतर नहीं मानता है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों की संकल्पना विभिन्न देशों में विभिन्न समयों तथा परिस्थितियों में हुई और ज्यादातर राज्यों का निर्माण युद्ध का परिणाम रहा। जगत में इंग्लैंड अपने को आधुनिक राष्ट्रवाद का मूल प्रारंभकर्ता मानता है। शेक्सपियर को हम याद करें अगर तो हेनरी फिफ्थ और किंग रिचर्ड द सेकंड को इस दृष्टि से देखा गया। उदाहरण के तौर पर हेनरी फिफ्थ में राजा कहता है कि तुम अच्छे जवान हो जिसकी बाजुएं इंग्लैंड में पड़ी हैं। वहां पर प्रमुख रूप से राष्ट्रीय अस्तित्व या पहचान को दूसरे देशों के साथ युद्धों ने बड़ा कर दिया। भारतीय
भारतीय राष्ट्रवाद की जब बात करते हैं, भारत के प्राचीन साहित्य में राष्ट्रवाद की महत्व का उसका मेहंदी यशोगान किया गया है। इसे मातृभूमि के सम्मान तथा सुरक्षा के लिए सब कुछ अर्पित करने की सदैव तत्पर भावना बताया गया है। वैदिक तथा उत्तरवर्ती साहित्य में इस पर बल दिया गया है। इसे राष्ट्र या देश की आत्मा बताया गया है।